दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं टेक्निकल बाबा। दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में अनबॉक्सिंग की थी Redmi 3S की और आज मैं उसका रिव्यू देने जा रहा हूँ, फुल इन डेप्थ रिव्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं इसके इनबिल्ट डिज़ाइन की बात करूँगा। जो उसका इनबिल्ट डिज़ाइन है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने गोल्ड कलर लिया है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, और पीछे इसका स्पीकर दिया हुआ है बिल्कुल इसके कंपनी के नेम के नीचे, जो इसको रिच लुक देता है बिल्कुल जैसा कि आपको फ़ोन चाहिए। इसके लेफ्ट हैंड साइड में आपका सिम स्लॉट मिल जाता है, जो कि सिम रिमूवल ट्रे है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हाइब्रिड सिम ट्रे है, जो तो उसमें आप एक मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं या फिर एक सिम डाल सकते हैं। जो दोस्तों, जो मेन टॉप में बीच में बिल्कुल सेंटर में आपको ये मिलता है, ये है रिमोट सेंसर, जिससे आप कंट्रोल कर सकते हैं टीवी वगैरह किसी भी चीज़ को। और दोस्तों, इसके जो उसके साथ में है हेडफोन जैक, ये मिल जाता है आपको। इसका मैंने जितना भी ऑब्जर्व करा है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। और नीचे आपको मिल जाता है चार्जर स्लॉट, जो कि बहुत ही सही काम कर रहा है अभी इसके। हाँ दोस्तों, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि इसमें नोटिफिकेशन लाइट है कि नहीं। तो हाँ दोस्तों, आपको जो सेंटर बटन है ये वाला, उसके बिल्कुल नीचे आपको नोटिफिकेशन लाइट मिल जाती है। कोई भी नोटिफिकेशन आने पर वो ब्लिंक करने लगती है, जो कि जिससे आपको पता चल जाता है क्या नोटिफिकेशन आई है कोई। तो दोस्तों, चलिए इसके आपको स्पेक्स बता देता हूँ, क्या स्पेसिफिकेशंस है दोस्तों। हाँ, उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसमें एक इनबिल्ट थीम ऐप आती है, जो कि बहुत ही अच्छी प्रोवाइड देती है इसमें सर्विस, जो जिसमें आपको कई सारे डिज़ाइन मिल जाते हैं जो आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे, जिससे आप अपने फ़ोन को मॉडिफाई कर सकते हैं, पूरा बहुत अच्छा बन जाएगा आपका फ़ोन, और वो फ्री है बिल्कुल। दोस्तों, इसका एंड्रॉइड वर्जन है 6.0.1 मार्च मैटर, जो कि लेटेस्ट चल रहा है अभी, मतलब कई फ़ोनों में। और जो मार्शमेलो है वो भी सिर्फ 5% फ़ोनों में आया है दोस्तों, तो इसलिए आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल इसका 1 दिसंबर 2016 का है, जो कि बहुत अच्छा है, लेटेस्ट भी है। और MIUI वर्जन 8.1 मिल जाता है इसका, जो कि स्टेबल है बहुत, जो कि आपको बहुत अच्छा काम करेगा फ़ोन में। CPU इसका 1.4 GHz का है, और ऑक्टा कोर मैक्स प्रोसेसर है इसका, रैम 2 GB है, 16 GB इंटरनल मेमोरी आपको मिलती है, 8 GB 8 GB इसमें जो इंस्टॉल्ड एप्स है वो कंज्यूम कर लेती हैं। और दोस्तों, इसका एक और वेरिएंट आता है 9000 की रेंज में, ये होता है 7000 का, वो 9000 का है, उसमें 3 GB रैम और 32 GB रोम मिल जाता है आपको। उसके पीछे एक यहाँ पे वो फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है, मैंने ये लेना प्रेफर किया क्योंकि मुझे कोई चार्ज मिली इसमें स्टोरेज की। तो अभी इसका जो मेन फोन आता है वो है कैमरा रिव्यू। दोस्तों, जो कैमरा होता है वो मेन रोल निभाता है इसमें, फ़ोन वगैरह में किसी भी चीज़ में आप देख सकते हैं, तो कैमरा जो है मेन रोल निभाता है। तो मैं उसके आपको सैंपल शॉट्स दिखा दूँगा लास्ट में वीडियो के। तो दोस्तों, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको ऐसी नई वीडियोज लाता रहूँगा मैं। और दोस्तों, ये जो आप किसी कोई भी फ़ोन लेते हैं रेडमी कंपनी का, उसमें आपको MI कम्युनिटी और MI स्टोर मिल जाता है, जिसमें कई सारे कॉन्टेस्ट वगैरह आते रहते हैं, जो जिसमें आप जीत भी सकते हैं, पार्टिसिपेट करते रहें, मैं भी करता हूँ उसमें, लेकिन अभी तक जीता नहीं, तो कोई बात नहीं। दोस्तों, MI स्टोर में जो अभी MI फेस्टिवल चल रहा है, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में ये प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं MI स्टोर, और उस गेम को खेल सकते हैं। और दोस्तों, इसका जो कैमरा है वो है बैक कैमरा है इसका 13 MP का, और फ्रंट कैमरा है 5 MP का। बैक कैमरे के साथ आपको फ्लैश लाइट मिल जाती है, फ्रंट के साथ नहीं मिलती है, लेकिन फ्रंट जो है वो लो लाइटिंग कंडीशंस में भी सही काम करता है, जितना ही मैंने ऑब्जर्व करा है। तो दोस्तों, मैं आपको इसकी स्पीड के बारे में बता दूँ, इसकी जो स्पीड चल रही है दोस्तों, अभी मैं आपको बता दूँ, स्पीड अच्छी काम कर रही है इसकी। मैंने इसकी गेमिंग भी करी है, मैं आपको, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका गेमिंग रिव्यू डालूँ तो मैं ज़रूर डालूँगा, आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए कमेंट अपना। और दोस्तों, मैं आपको चलिए अब सैंपल शॉट्स दिखा देता हूँ इसके। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने इसमें ये बैक कैमरे से फ़ोटो ली है, जो कि बहुत ही क्लियर आ रही है, देख सकते हैं आप। ये मैंने आपको बता दूँ, ये मैंने बिना फ्लैश के ली थी, तब भी ये कितनी ब्राइट फ़ोटो आ रही है, और इसमें सारी चीज़ क्लियर दिख रही है। तो इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, इस रेंज में ये स्मार्टफोन बहुत ही बेहतर रहेगा आपके लिए। आपका बजट अगर 7000 है, तो 7000 की रेंज में ये स्मार्टफोन बहुत बेटर है। और इसकी मैं एक आपको फ्रंट कैमरे से ली हुई फ़ोटो भी दिखा देता हूँ, वो भी बिना फ्लैश के। दोस्तों, ये है मेरी फ़ोटो, इस फोटो में आप देख सकते हैं कितनी क्लियर आ रखी है ये फ़ोटो, और आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ।
आप देख सकते हैं बहुत ही क्लियर आ रखी है फोटो। ये भी मैंने जो नेचुरल लाइट है बाहर की उसी में खींची थी, तो इससे आपको पता चल गया होगा कि इसका कैमरा बेस्ट है। तो ज़रूर आप इस फ़ोन को बाय कर सकते हैं। और दोस्तों चलिए इस वीडियो का एंड हो।